आपको चीन और भारत के बारे में बताना चाहती हूँ। 15 जून को चीन और भारत के बीच में झड़प हुई थी, उसमें लगभग हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे और हमारे देश के सैनिकों ने पूरी बहादुरी के साथ चीन के सैनिक 43 सैनिक मार दिए चीन के। और देखिए, जो 20 सैनिक हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं। किसी के भाई कर रहे हैं, तो कोई माँ कर रहे हैं, कभी बच्चे कर रहे हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको, उन सब के 20 सैनिकों के परिवार वालों को, वो इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। हमारे देश के सैनिक वहाँ पर लड़ रहे हैं तो हम अपने देश में अपने घर पर बैठकर एक अंगूठे के साथ लड़ेंगे। वो कैसे? हमें चीन की चीज़ों का बायकॉट करना है, उन्हें नहीं लेना। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पहले चीज़ें ली हैं और आपको उसका पता नहीं है कि चीन की है वो चीज़, तो ये नहीं कि आप उसको तोड़ दोगे, जला दोगे, फेंक दोगे। इसका मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है आप चीन की कोई चीज़ मत लीजिए। जो आप चीज़ धोखे से लेते हैं, जो आपने ले लिया है धोखे से, उनको मत तोड़िए, क्योंकि उसमें आपके पैसे लगे हैं, खून पसीना लगा है, आपके 4 पैसे लगे हैं उसमें। लेकिन जब आप खरीद रहे होंगे तो वो आपको नहीं खरीदना। अगर वो चीन की होगी तो हमें अपने देश के सामान खरीदनी है और हमारे देश को जिताना है इस लड़ाई से एक अंगूठे के साथ। हम लड़ेंगे एक अंगूठे से के साथ। और चीन की जो ऐप्स हैं, जैसे टिकटॉक, हेलो ऐप, वो सारी ऐप्स अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, ओके? इससे चीन कमज़ोर पड़ जाएगा और हमारे देश के सैनिकों को उसको हराने में आसानी होगी। इसलिए आप घर में बैठकर एक अंगूठे के साथ लड़िए और इसी के